मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ओप्पो K12X 5G में आप कैसे थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको लेने नहीं आ रही या फिर आपको वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। और नीचे तो अपने फोन डिस्प्ले सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स दिख रहा हो, एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिए। एडिशनल सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर दीजिए। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिख रहा हो, थ्री फिंगर स्वाइप डाउन, थ्री फिंगर टच एंड होल्ड, पावर एंड वॉल्यूम डाउन बटन। तो यहाँ पे क्या करना है, तीनों को आपको क्या करना है, इनेबल कर देना। देख लीजिए इनेबल कीजिएगा, यहाँ से बैक कीजिए तो यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं आपके सामने लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूँ। इसके यहाँ पे थ्री फिंगर से लिया तो देख लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ पे वर्क कर रहा हो। चलिए मैं लेता हूँ फिर से, देख लीजिए स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे थ्री फिंगर प्रेस कीजिएगा तो भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ से कस्टम करके आप ले सकते हैं। इसके इतना स्क्रीनशॉट लेना और यहाँ पे टिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो अपने दोस्तों या फिर अपने फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। और इस तरह का और भी टिप्स एंड ट्रिक वाले वीडियोज आए तो नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।